Welcome, my dear, on my YouTube channel, Physics Guru Vishal Tyagi sir. Physical quantities दो तरह की हैं. आप क्लास 9th में अगर हैं तो आप पढ़ते हैं, अगर आप क्लास 11th में हैं तो आप उसे पढ़ चुके हैं. एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी. मेनली देयर आर टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर एंड वेक्टर. व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? इफ अ फिजिकल क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड, देन इट इज सेड टू बी स्केलर क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, टाइम, स्पीड. मतलब कैसे? जैसे कि मैं आपको कहूँ यू हैव टू गो टू 6 किलोमीटर, तो आप किसी भी डायरेक्शन में 6 किलोमीटर जा सकते हैं. तो उसमें मैंने कोई आपको स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दी, तब आप उसे क्या कहेंगे? वो डिस्टेंस है. लेकिन एक वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिसमें आपको एक मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दी जाए. जैसे कि मैं आपको कहूँ यू हैव टू गो टू 6 किलोमीटर अलोंग नॉर्थ, तो आप 6 किलोमीटर मैग्नीट्यूड देखेंगे उसमें और डायरेक्शन भी देखेंगे अलोंग नॉर्थ. तो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इकट्ठी होती है तब वो स्केलर क्वांटिटी वेक्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है. तब ऐसे डिस्टेंस को, जिस डिस्टेंस में आपको डायरेक्शन भी दी गई होगी, उस डिस्टेंस को आप डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. तो आपके पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर. स्केलर क्वांटिटीज आर दोज represented only by the magnitude, and vector quantities are those represented by magnitude as well as direction. मतलब जिन physical quantities के अंदर magnitude के साथ direction दी होगी, एक specific direction दी होगी, आप उसे हमेशा vector quantity ही कहेंगे. अब vector quantity की जरा मैं बिल्कुल start, बिल्कुल basic lecture दूंगा आपको. अगर आप class 11th में है तो आपके लिए vector बिल्कुल नया है, और vector के लिए मैं आपको बिल्कुल basic lecture दूंगा, आपकी समझ आएगा 101%. देखिए जरा वेक्टर क्या है. एनी फिजिकल क्वांटिटी सेड टू बी वेक्टर इफ इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. मतलब मैं आपको कहूं आपको 6 किलोमीटर पर सेकंड की या पर आर की रफ्तार से चलना है, 6 किलोमीटर पर आर, तो वो स्पीड कहलाएगी. लेकिन अगर मैं आपको कहूं 6 किलोमीटर पर आर आपको अलोंग वाई एक्सिस चलना है या अलोंग ईस्ट चलना है, तो जहां मैंने स्पीड के साथ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दिया आपको, तब वो एक वेलोसिटी कहलाएगी. तो वेक्टर क्या होता है? जहां मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों गिवन होती है, उसे आप वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. कुछ एग्जांपल है यहाँ वेक्टर क्वांटिटीज के, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एटसेट्रा. मैग्नेटिक फील्ड जो आप क्लास 10th में पढ़ते थे, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, आपको बताया गया था. मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एक ऐसा एरिया किसी भी मैग्नेट के चारों ओर जहां वो किसी दूसरी मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता हो, तो उसकी स्ट्रेंथ को आप वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं. अब सिंबल वेक्टर का क्या होता है? आप क्लास 11th में आते हैं और देखते हैं किसी किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर ये एरो लगा हुआ है, तो इस एरो को कहते हैं आप वेक्टर सिंबल. ये इसकी टेल होती है और ये इसका हेड. मान लीजिए आपको कहा गया r इज अ रेडियस वेक्टर, स्मॉल r को ही आपको एक रेडियस वेक्टर दे दिया गया है, या उसे डिस्प्लेसमेंट कहा गया है. तो आप उसे, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट है तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे r उसके ऊपर f. तो अगर कभी भी आप इस तरीके से देखते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर एरो है, या आपकी बुक में उसे थोड़ा डार्क करके लिखा गया है, बोल्ड करके लिखा गया है, तो मतलब वो एक फिजिकल क्वांटिटी है. कई बार हम ऐसा लिखा देखते हैं जैसे कि 2a, और a बहुत ज्यादा डार्क होता है, तो इसका मतलब ये है 2a वेक्टर. अगर कभी आप बुक्स में किसी एक अल्फाबेट को डार्क देखते हैं और बाकी के अल्फाबेट आप हल्के कलर से देखते हैं, तब आप समझ जाइएगा कि वो वेक्टर साइन को ही डिनोट करता है. इसके बाद वेक्टर दो तरह के आपके पास, एक पोलर वेक्टर. पोलर वेक्टर कैसा होता है? पोलर वेक्टर ऐसा होगा जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और जहां से वो चलेगा किसी एक एक्सिस के अलोंग. जैसे कि आप यहां से चले और आपकी जर्नी खत्म हुई यहां, तो मतलब ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ. या फिर आप इस डिस्प्लेसमेंट को टी टाइम में अगर कवर करते हैं तो वेलोसिटी वेक्टर भी इसी लाइन से डिनोट किया जाएगा. अगर आपकी वेलोसिटी यहां से यहां तक चेंज होती है टी टाइम में, तो एक्सेलरेशन भी आप इसी से डिनोट करेंगे और फोर्स भी इसी से डिनोट करेंगे. मतलब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर स्ट्रेट पाथ पर कोई वेक्टर चलता है, तब आप उसे क्या कहते हैं? पोलर वेक्टर. तो पोलर वेक्टर की डेफिनेशन देखिएगा जरा. दोज वेक्टर हैव स्टार्टिंग पॉइंट सेड टू बी पोलर वेक्टर, उन्हें आप पोलर वेक्टर बोलते हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स एटसेट्रा.
और सेकंड इंपॉर्टेंट ये है जी एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर का मतलब है जो रोटेशन का इफेक्ट शो करते हैं, मतलब रोटेशन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, उन्हें आप एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। इनकी क्लॉकवाइज भी डायरेक्शन हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी डायरेक्शन हो सकती है। एक्सियल वेक्टर के एग्जांपल क्या होंगे आपको पता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी तो आप वी से डिनोट करते हैं जो लीनियर वेलोसिटी होती है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी को आप ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर टॉर्क, ये सभी आपके क्या है एक्सियल वेक्टर हैं। तो पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप क्लास 11th में हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा थोड़ा डीपली चलेंगे वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे। देखिए जरा, मान लीजिए आपको कहा गया यू हैव टू सेलेक्ट अ वेक्टर ए। तो आप सबसे पहले अगर वेक्टर पढ़ने के लिए बैठे हैं तो आपको अपने दिमाग में एक इमेज सेट करनी पड़ेगी। देयर आर नॉट टू एक्सिस, देयर आर थ्री एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। वेक्टर के अंदर टाइम एक्सिस और एनर्जी एक्सिस का कोई काम नहीं होता, वो आप रिलेटिविटी थ्योरी में पढ़ते हैं जो क्लास 11th में इस बार आउट ऑफ कोर्स गया है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आइए बात करते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की, वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है। तो आप सबसे पहले 3D बनाएंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन है। 3D में आप किसी भी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या फिर वेलोसिटी वेक्टर या फिर आप एक्सलरेशन वेक्टर या फोर्स वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी वो मैं समझाऊंगा आपको। मैंने मान लिया लेट ए वेक्टर इज अ रेडियस वेक्टर, ये एक रेडियस वेक्टर है, ऑफ अ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ओरिजन। ओरिजन के रेस्पेक्ट में एक पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट को ए वेक्टर से आप रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए ए पार्टिकल यहां पर है और ये 3D के अंदर है जहां एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों है। तो आप इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, मान लीजिए ओरिजिन से इसकी दूरी एक्स है और वाई एक्सिस के अलोंग इसकी दूरी वाई है और जेड एक्सिस के अलोंग इसकी दूरी जेड है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स को तो इसके लिख देंगे आप एक्स वाई जेड, लेकिन आप इसे वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप क्या कहेंगे, ये एक्स दूरी पर है अलोंग एक्स एक्सिस, या वाई दूरी पर है अलोंग वाई एक्सिस, या जेड दूरी पर है अलोंग जेड एक्सिस। नहीं, आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब होता है आई कैप, अलोंग वाई एक्सिस का मतलब होता है जे कैप और अलोंग जेड एक्सिस का मतलब होता है के कैप। हमेशा आई जे के स्मॉल लेटर्स में होंगे और आई जे के इन्हें यूनिट वेक्टर्स कहा जाता है। ये सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं, अगर कोई भी पार्टिकल या कोई भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग होगा तो आप उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए एक पार्टिकल ओरिजिन से 8 मीटर दूरी पर है अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप कैसे लिखेंगे 8i और बाद में लिखेंगे मीटर। इसका मतलब है कि 8 मीटर दूरी पर है आई एक्सिस के अलोंग ओरिजिन से पार्टिकल, अगर ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब बात करते हैं इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस वेक्टर को आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के। तो अब ये ए वेक्टर जो था आपके पास एक्स आई प्लस वाई जे और जेड के बराबर है, आई कैप, जे कैप और के कैप की वैल्यू 1 के बराबर होती है, इसीलिए इन्हें आप यूनिट वेक्टर्स भी बोलते हैं। अब मान लीजिए आपको कहा गया एक दूसरा वेक्टर है, जो वेक्टर बी है और वो ए डिस्टेंस दूरी पर है एक्स एक्सिस के अलोंग और बी डिस्टेंस दूरी पर है वाई एक्सिस के अलोंग और सी डिस्टेंस दूरी पर है जेड एक्सिस के अलोंग, तो आप उसे वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहले उसके कोऑर्डिनेट मान लेंगे, मान लीजिए वो पार्टिकल यहां पर है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे ए बी सी।
तो इसे वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप? मैंने अभी क्या बताया आपको, आप ए को क्या लिखेंगे, ए आई, बी को बी जे और सी को सी के। अब ये जब एक वेक्टर बनाएंगे तो आप इन सबको ऐड कर देंगे, और उस वेक्टर बी को रिप्रेजेंट आप कैसे करेंगे, ए आई मतलब वो जो पार्टिकल है बी वेक्टर का उसका ए डिस्टेंस है एक्स एक्सिस के अलोंग फ्रॉम ओरिजिन प्लस बी जे और प्लस सी के। इस तरीके से आप एक वेक्टर दूसरा कंसल्ट कर लेंगे, ऐसे करके आपको सभी वेक्टर बनाने आ जाएंगे। यहां भी आई जे के की वैल्यू 1 के बराबर है और यहां भी ये यूनिट वेक्टर है। अब बात करते हैं दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। देखिए जरा, हमारे पास दो वेक्टर गिवन है और दोनों वेक्टरों को ऐड करना मैं आपको सिखाऊंगा। आप बिल्कुल एल्जेब्रिक सम इसका एडिशन करेंगे, ये एडिशन ऑफ वेक्टर है, मतलब आई के साथ आई के कंपोनेंट ही आप हमेशा ऐड कर सकते हैं। तो एक्स प्लस ए और आई आप कॉमन लेंगे, और बी के साथ आप मतलब जे के साथ जे के कंपोनेंट ही ऐड करेंगे, वाई प्लस बी जे, और के साथ आप के ही कंपोनेंट ऐड करेंगे, जेड प्लस सी के। ये था एडिशन ऑफ टू वेक्टर। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर क्या होगा, तो आप ज्यादा वेक्टर मान लीजिए, बड़ा वेक्टर ए वेक्टर है यहां पर और छोटा वेक्टर बी वेक्टर है, इसका मतलब है एक्स डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, इसका भी मतलब ए डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। तो आप सेम एक्सिस में से सेम एक्सिस को ही ऐड कर सकते हैं और सेम एक्सिस को ही सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप इसका सब्सट्रैक्शन कैसे लिखेंगे दो वेक्टरों का, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू एक्स में से आप ए घटाएंगे और आई कॉमन लेंगे, फिर वाई में से आप बी घटाएंगे और वाई के अलोंग जो यूनिट वेक्टर था जे उसे कॉमन लेंगे, और फिर आप जेड में से सी घटाएंगे और के को कॉमन लेंगे। तो इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। अभी नेक्स्ट वीडियो में, अभी आप एक दो बार इस वीडियो को देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वेक्टर के अंदर दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं जिसे डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है, और एक को वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं जिसे आप क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे वो शेयर करूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।